इख्तलाफात है, कौन से इख्तलाफात हैं? अफवाहों के लिए हम क्या कर सकते हैं, अफवाहों के लिए कोई जवाब नहीं है, अफवाह अफवाह है और कुछ नहीं है। बाकी रूला साहब, कांग्रेस आज मंत्रिमंडल का हेल्प नहीं ले रही है, पार्ट नहीं हो रही है गवर्नमेंट का, अलायंस पार्टनर थे आपके, वो कुछ नाराज़गी लग रही है उनका अपना अंदरूनी फैसला है कि क्या वो हलफ लेंगे या नहीं लेंगे। गवर्नमेंट का साथ पूरी अलायंस का है, गवर्नमेंट अलायंस के साथ चलेगी, साथियों के साथ चलेगी, जिस मकसद के लिए लोगों के पास गए उस मकसद को पूरा करेंगे साथ में मिलकर सभी, तो चाहे वो कैबिनेट में साथ हो या ना हो, गवर्नमेंट के साथ तो यही उम्मीद है कि पूरी तरह से साथ देंगे। उनके एक लीडर ने कहा कि जब स्टेटहुड मिलेगा हम तब सरकार में शामिल होंगे। जैसे कि मैंने कहा, अंदरूनी फैसला उनका अपना फैसला है, उसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते। रियासत के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जब तक वो साथ देंगे वो सही है। इंडिया अलायंस चाहे कश्मीर में हो चाहे पूरे हिंदुस्तान में हो, रियासत के मकसद के लिए, यहाँ लोगों के मकसद के लिए और पूरे हिंदुस्तान के जमहूरी तकाज़ों के लिए, जो सेक्युलर आइडिया ऑफ इंडिया है उसके रिटर्न के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की वापसी के लिए, जिसकी फाउंडेशंस है इस हिंदुस्तान, जिन फाउंडेशंस पे ये बना है, तो उस चीज़ के लिए अगर सभी काम करें तो वही सबसे अहम है। सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज क्या लग रहा है आपको इस सरकार का? सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज ये है कि लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरना है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, और साथ ही साथ पॉलिटिकल जो एस्पिरेशन है लोगों की उनको पूरा करना है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये गवर्नमेंट भी होगी और उसी वक्त साथ साथ में अपोजिशन भी होगी। अपोजिशन इसलिए क्योंकि बीजेपी की उन पॉलिसीज़ से लड़ना है, फिर अपना हक हासिल करना है, जिन पॉलिसीज़ ने रियासत को इतना नुकसान पहुंचाया है, 370 के ज़रिए जो हकूक थे वो लिए, यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया। इस गवर्नमेंट को अपनी गवर्नेंस भी डिलीवर करनी है और रियासत की हकूक के लिए की वापसी के लिए लड़ाई भी लड़नी है। थैंक यू।